जी, क्या नाम है आपका? मेरा सरताज नाम है जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? किठोर से। किठोर, अच्छा। आपको क्या शिकायत हो गई थी? मुझे शिकायत हुई हेपेटाइटिस सी की। अच्छा, कब हुआ था, कब पता चला? 2016 में। 2016 में जी। अच्छा, फिर 2016 में पता चला तो मैंने पता लिया, लो पंत में इलाज है इसका जी। मैं पंत में पहुंच गया, वह लोड करा बाहर से जी। डॉक्टर बी सी शर्मा उसे दिखाया, उसने कही कि मुझे महंगा इलाज है। मैं बोला ये खत्म हो जाओगे ना जी, मन का तो लिखो दवाई जी। उन्होंने दवाई लिख दी, 6 महीने दवाई खिलाई दी उन्होंने जी। दवाई खाने के बाद ही तुरंत दर्द चालू हो गया। कहाँ पर होने लगा था दर्द? यहाँ। ठीक है, यहाँ लीवर में दर्द हो गया जी। मैं उनके पास गया, फिर भी मैंने कहा जी दर्द हो रहा डॉक्टर साहब ने, नहीं नहीं कुछ नहीं है, दवाई का साइड इफेक्ट होता है, तन मन से कोई बात नहीं है जी। वो बढ़ता चला गया दर्द। मैंने बहुत इलाज करा लिया, फिर भी अब तक मैं भाग लिया डॉक्टर के द्वारा, मेरठ भी और दिल्ली भी, सब जगह भाग लिया। अब हार के तुम्हारे पास आया मैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ का किस, मैंने वीडियो देखी तुम्हारी जी, वीडियो देखी मैंने तुम्हारी जी। अच्छा, कई 3-4 वीडियो देखी मैंने जो लीवर फेलियर वाले भी तुमने जी, तुम्हारे यहाँ ठीक हुए हैं जी। तो मैंने इस वीडियो देख कर मैंने तुम्हारी और तुम्हारा ओपीडी का पता लेगा जी, और मैं इसलिए आया था तुम्हारे यहाँ। अच्छा, और फिर मैंने तुम्हें रिपोर्ट दिखाई, तुमने भी कराई है मेरी जी। तो आगे तुम्हें पता जी, मुझे तो फायदा। अच्छा, अब आपको क्या फायदा हुआ ये आने के बाद में? मुझे आने के बाद में फायदा हुआ, यहाँ से और यहाँ तक दर्द जी जी, अब यहाँ कोई दर्द नहीं है जी, कोई दर्द नहीं। अच्छा, यू भी कम हो गया जी, अब तो जो है असली यू और यू रह रहा जी। सही बात है जी, मुझे तो लगभग कई दिन हुए, आज मेरे 7 दिन हुए जी, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया जी जी। 1 हफ्ते में मुझे 30% बिल्कुल ओरिजिनल फायदा जी। ठीक जी जी। और उसके बाद तो जब मैं 1 हफ्ता पहले आया था जी, तो मुझे पता जी कितनी हालत नाजुक की, पकड़ के बैठा मैं गाड़ी में जी, ऐसा लग रहा है जैसे तेरा दम निकल रहा नीचे को जी, बेचैनी बढ़ रही जी। तुमसे भी मैंने बताई थी ओपीडी में, मन का जी मेरा दम सा निकल रहा जी। तो यू स्थिति थी मेरी अब से तो 7 दिन पहले। तो आपके अब काफी जी जी, अब नींद भी आने लगी। अच्छा जी, नींद भी अब सही अजान के टाइम खुलनी है मेरी आंखें। अच्छा, भूख भी बढ़ गई पहले से, भूख भी बढ़ गई पहले से, भूख भी बढ़ गई और दर्द को भी आराम है, पेट को भी आराम है जी, जी। और मेरे खुद मुझे पता चल रहा मेरे चेहरे को भी खुशहाल है, मतलब ठीक है। तो यू है जी, मेरा तो मानना यू है जी, जी। अंग्रेजी वाले तो सही बुझो तो इस तकलीफ के अलावा ऐसी तकलीफ पैदा कर रहे हैं जो इलाज ही ना हो। नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दी मुझसे, क्या लीवर में ज्यादा फॉल्ट है। अच्छा जी, इसमें क्या कर सके हम। अच्छा, यू भी कही मुझसे एक डॉक्टर ने। अच्छा, मेरठ में, और डॉक्टर बढ़िया वाला बड़ा डॉक्टर कही है जी, फिर सांस सोलंकी उसने कही है मुझसे जी जी। तो यार काफी खराब हो रहा लीवर। अब देखिए, जब ये हमारे पास आए थे तो इनका हमने अभी 1 हफ्ते पहले अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें इनका एवरेज लीवर स्टिफनेस इज 9.6 kPa, जो ये शो करता है इन्हें माइल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस डेवलप हो गई। इसके डेवलप होने की वजह यह है कि इनको हेपेटाइटिस, या इनका अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में क्रॉनिक लीवर डिजीज ये भी कंफर्म हो गई, क्रॉनिक लीवर डिजीज चेंजेस विद अदर फाइंडिंग्स एज डिस्क्राइब एबो। ये अल्ट्रासाउंड है भी 15-11 का। इस वक्त जो है इनका LFT, इसका SCV का वायरल लोड कराया तो ये TND है, क्योंकि इन्होंने 6 महीने एंटीवायरल दवा ली तो उससे TND हो गया, लेकिन अभी भी लीवर इनका इनलार्ज है, क्रॉनिक लीवर डिजीज, और LFT जो है ड्रेंच है। देखिए देखिए, 80 है SGOT, SGPT 86 है, तो लीवर भी इनका लीवर फंक्शन ड्रेंच है। इनका इलाज करना शुरू करा, और जैसे कि हमारे इन्होंने सरताज मियां ने बताया कि कितना ये परेशान था, दूसरे हॉस्पिटल में भी इनको बता दिया कि आपके लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज पैदा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज जब इन्होंने यूनानी इलाज इनका शुरू किया था, 1 हफ्ता रह गया, 1 हफ्ते के अंदर इनको काफ़ी एपिटाइट भी इनकी इंक्रीज हो गई, नींद भी आराम से आने लगी,
जो बदन के अंदर बेचैनी थी वो बेचैनी भी दूर होगी, पेट में बहुत सीवियर पेन था जिस वक्त वह यह आए, जैसे आपको बताया कि पेट पकड़े हुए थे और बड़ा मुश्किल से कह दम निकल रहा है, लेकिन आज एक हफ्ते के अंदर ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो गए और अब ये लीवर फंक्शन जो डिरेंज है, हम एक हफ्ते की बात कराते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद में, तो अब इनको कल परसों कराएंगे, वो भी हमें उम्मीद है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट जो जिनका फाइब्रोसिस डेवलप हो गया या सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया, उनका यूनानी दवा देने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वो मरीज़ जो दूसरे अस्पताल में आराम नहीं हो पा रहा जिनको इन बीमारी में, तो वो हमारे अस्पताल में मजीदिया हॉस्पिटल आ सकते हैं और यूनानी के ज़रिए से इसका ख़ास हमारा हाई इलाज है, इलाज करके वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमारी इससे पहले वीडियो में भी देखा और इस वक्त भी आपके पास हमारे पास बहुत सारे मरीज़ हैं जो आपको बताएंगे कि पहले उनकी कैफियत क्या थी और अब इलाज होने के बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं ऐसे मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं।